दोस्तों, मैं एकता स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस चैनल गार्डन फॉरएवर पर। दोस्तों, आज मैं आपसे पत्थरचट्टा प्लांट के प्रोपोगेशन पर बात करूँगी। पर उससे पहले दोस्तों, देखिए आप मेरा पत्थरचट्टा का जो प्लांट है वो कितने अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। दोस्तों, पत्थरचट्टा प्लांट के प्रोपोगेशन को दो तरह से किया जा सकता है। या तो आप इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं, और इससे बनने वाले जो बेबी प्लांट्स होते हैं, जो इसकी लीफ में बनते हैं, आप उससे भी इसका प्रोपोगेशन कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से लगाया जा सकता है दोस्तों। ये बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, बहुत आसानी से लग जाता है। सक्यूलेंट की वैरायटी है, इसे इससे ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है, ना ही इसमें ज़्यादा फर्टिलाइज़र लगता है और ना ही इसमें ज़्यादा देख रेख करनी पड़ती है। आप एक बार इसे अपने गार्डन में लगा लेंगे तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। तो दोस्तों, हम बात करें इसके प्रोपोगेशन की, तो अब आप देखिए कि आप अगर आपको इस प्लांट की यदि कहीं कटिंग मिल जाए तो आप इसे कटिंग से भी लगा सकते हैं। लेकिन जो इसकी लीफ बनती है, आप देखिए इस तरह से, तो इसकी लीफ में जो ये कॉर्नर है, इन कॉर्नर पे नए नए बेबी प्लांट बनते हैं। उन्हीं बेबी प्लांट से आप इस प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। वो जो बेबी प्लांट हैं वो हर एक कॉर्नर पर बनते हैं और उसी से आप इस प्लांट की प्रोपोगेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये प्लांट जो है वो बहुत ही फ़ायदेमंद है, पत्थरचट्टा प्लांट। इससे बहुत सी बीमारियां ठीक होती हैं। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया है, यदि आपने किसी ने नहीं देखा है मेरा वो वीडियो, तो आप पत्थरचट्टा प्लांट की केयर वाला वीडियो भी आप देख सकते हैं। उसमें इस प्लांट का यूज़ किस तरह से किया जा सकता है और इससे कौन कौन सी बीमारियाँ ठीक होती हैं। सबसे मेन जो डिसीज़ है वो पथरी की डिसीज़ हम इससे ठीक कर सकते हैं। तो किस तरह से इसका यूज़ करना है, मैंने उसे उस वीडियो में बताया है, तो आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। अब दोस्तों, हम मेन बात करें तो इस प्लांट के प्रोपगेशन की, तो आपको मैंने जिस तरह से बताया कि ये जो प्लांट है इसके हर एक कॉर्नर पे एक नया बेबी प्लांट बनता है, उसी से हम इसे ग्रो कर सकते हैं। तो वो बेबी प्लांट दोस्तों मेरे प्लांट में बहुत सारे बने हुए हैं, सो मैं आपको दिखाती हूँ वो किस तरह से बने। दोस्तों देखिए, आप इसकी पत्तियाँ देखिए दोस्तों, आप ये कितनी बड़ी बड़ी हो चुकी हैं और इस तरह से इसमें बने हैं छोटे छोटे बेबी प्लांट्स। अब देखिए दोस्तों, बेबी प्लांट तो बने हैं लेकिन इनकी रूट्स भी निकल आई हैं। हर एक पत्ती में इसका बेबी प्लांट बना हुआ है, ये देखिए ये कितने अच्छे से बना है। सक्यूलेंट की वैरायटी है, छोटे छोटे बेबी प्लांट का कलर भी बहुत सुंदर है और ये दिखाई भी बहुत क्यूट दिखते हैं। ये देखिए आप, बहुत प्यारे लगते हैं इस तरह से ये लगे हुए। इसके हर एक कॉर्नर में लगे थे दोस्तों, मैंने उन्हें अलग अलग पॉट में ट्रांसफ़र कर दिया है। लेकिन ये प्लांट मेरे गार्डन में जहाँ जिस जगह रखा हुआ था वहाँ इसकी, इस प्लांट की लीफ आप देख रहे हैं कितनी बड़ी बड़ी, तो ये लीफ जिस जिस प्लांट में गई वहाँ वहाँ ये प्लांट के छोटे बेबी प्लांट जो हैं वहीं पर उनकी ग्रोथ हो गई थी। अब आप ये देखिए दोस्तों, ये कितनी सारी इसमें बेबी प्लांट इस तरह से कॉर्नर पर बनते हैं। एक और आपको बताती हूँ जिसमें तो बहुत सारे हैं, ये देखिए दोस्तों, ये कुछ इस तरह से इसके बेबी प्लांट बनते हैं। दोस्तों, एक छोटा सा प्लांट और है, उसकी पत्तियों का कलर भी कुछ चेंज हुआ है। अब ये शायद फुल सनलाइट की वजह से इसका कलर बहुत चेंज हो चुका है, लेकिन फिर भी इसमें बेबी प्लांट बन रहे हैं। और आप देखिए, इसके बेबी प्लांट का जो कलर है वो कुछ इस तरह से है, लेकिन जो मेरे प्लांट की ये पत्तियां हैं वो कुछ इस तरह से रेड हो गई है। अभी हमारे यहाँ 2 से 3 दिन बहुत बारिश भी हुई थी, उसकी वजह से भी हो सकता है इसका कलर चेंज हुआ है। और मैंने ये प्लांट जो है वो थोड़ा धूप में रख दिया था, तो सनलाइट की वजह से भी, फुल सनलाइट में रखने के कारण भी इस प्लांट को कलर चेंज हुआ है, इस प्लांट की पत्तियों का। तो आप देखिए दोस्तों, ये तो एक छोटे से पॉट में लगा हुआ है, लेकिन इसके ऊपर की लीफ देखिए आप कितने अच्छे कलर से आ रही, और ये जो है इसकी हर एक लीफ में छोटा बेबी प्लांट बना हुआ है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, तो आप इन सभी, ये कॉर्नर से निकलने वाले बेबी प्लांट हैं जो इससे भी इसका प्रोपोगेशन कर सकते हैं। और दोस्तों, यदि आपको इसका प्लांट कहीं नहीं मिल रहा है या इसके बेबी प्लांट कहीं नहीं मिल रहे हैं, लेकिन यदि आपको इसकी टूटी हुई लीफ भी मिल जाएगी तो उससे भी आप इसका प्रोपोगेशन कर सकते हैं। वो कैसे, मैं आपको बताती हूँ।
दोस्तों दिवाली की सफाई में प्लांट्स को इधर उधर करने के कारण एक लीफ इसकी टूट चुकी थी, तो मैं पहले तो सोच रही थी कि उस लीफ को फेंक दूं, लेकिन मेरा मन नहीं हुआ तो मैंने इसे इस पॉट में रख दिया। अब आप देखिए इस पॉट में इसके छोटे छोटे बेबी प्लांट कुछ एक यहाँ है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ। ये पत्ती जो है पानी के कारण आप देखिए पूरी तरह से गल गई है, लेकिन अभी भी इसके बेबी प्लांट जो है वो बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं। ये देखिए एक ये रहा, एक यहाँ भी है दोस्तों। पत्ती बहुत बड़ी थी इसकी, लेकिन जो ज़्यादा पानी की वजह से वो पूरी तरह से गल चुकी थी और उसी के कारण इसके जो सारा पार्ट ख़राब हो चुका है। लेकिन देखिए आप इसके बेबी प्लांट जो हैं वो अभी भी बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं। तो यदि आपको इसकी टूटी हुई लीफ कहीं मिल जाए तो आप उससे भी इसका प्रोपगेशन जो है वो कर सकते हैं और कटिंग से भी कर सकते हैं। दोस्तों मैं इन सभी बेबी प्लांट्स को इसमें से निकाल कर इसका प्रोपोगेशन किस तरह से करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो दोस्तों देखिए ये मैंने एक इस लीव से ये एक बेबी प्लांट निकाल लिया है। आप देखिए इन बेबी प्लांट्स की जड़ें भी कितनी बड़ी बड़ी हो चुकी हैं, तो इनको लगाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। बस आप इसे इस तरह से पॉट में ऐड कर दीजिए और ये बहुत अच्छे से लग जाता है। तो दोस्तों आप इसी तरह से इसमें से और भी बेबी प्लांट्स हैं इन्हें निकाल सकते हैं, निकालना भी आसान है। निकालने के कारण इस आपको इसकी ये जो बड़ी पत्ती है इसमें भी किसी तरह का डैमेज नहीं होता है और जो बेबी प्लांट है ये बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं। दोस्तों आप देखिए देखने में तो ये बिल्कुल छोटे छोटे जो सक्यूलेंट्स होते हैं उसके जैसे ही दिखाई देते हैं, बहुत ही खूबसूरत होते हैं। तो आप इसका प्रोपगेशन जो है वो इस तरह से भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको और भी प्लांट्स दिखाती हूँ, जहाँ जिस गार्डन में मेरे ये प्लांट और भी पत्तियाँ जो इसकी लगी थी वो जिस जिस स्पॉट से टकराई थी उस स्पॉट में भी इसके बेबी प्लांट ग्रो कर चुके हैं, तो मैं वो भी आपको दिखाती हूँ। एक ये डिफेनबेकिया का प्लांट है दोस्तों, जिसमें ये टकराया, इसकी पत्ती अंदर तक जा चुकी थी, तो आप देखिए कितने सारे पत्थर से टके प्लांट जो है वो प्रोपगेट हो चुके हैं। तो दोस्तों आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों देखिए कुछ बेबी प्लांट यहाँ भी इस पॉट में भी ग्रो कर चुके हैं। इसका जो स्टेम है ये भी देखिए आप कितने अच्छे से ग्रो कर रहा है। तो दोस्तों प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।